महाशिवरात्रि के 10 अचूक उपाय, धन सुख और समृद्धि चाहिए तो जरूर आजमाए। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। सच्ची श्रद्धा से कमेंट में लिखे जय श्री राम। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस बार शिवरात्रि 8 मार्च को मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि पर्व रात्रि व्यापिनी होने पर विशेष फल मिलता है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को देवाधिदेव महादेव को पूजने का यह परम पवित्र महापर्व महाशिवरात्रि बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ श्रद्धा पूर्वक मनाया जाएगा। इस बार महाशिवरात्रि के दिन श्रवण नक्षत्र का साक्षी सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग एवं त्रयोदशी प्रदोष का योग बना है, जो शिव भक्तों के लिए बेहद फलदायी होगा। यह संयोग अत्यंत दुर्लभ है। इस संयोग में भगवान शिव के रुद्राभिषेक का पाठ करें। शिव विशेष वरदान देते हैं। भगवान शिव को ओघर और भोलेनाथ भी कहा जाता है, लेकिन शिव जितने भोले और आसानी से प्रसन्न होने वाले हैं, उनका गुस्सा भी उतना ही प्रलयंकारी है। कहते हैं कि जिस दिन शिव ने अपनी तीसरी आँख खोल दी, उसी दिन दुनिया का अंत निश्चित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति वर्ष भर कोई व्रत उपवास नहीं रखता है और वह मात्र महाशिवरात्रि का व्रत रखता है, तो उसे पूरे वर्ष के व्रतों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। शिवरात्रि पर चार प्रहर की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। शिवरात्रि पर चार प्रहर की पूजा से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। महाशिवरात्रि पर इन 10 उपायों को आजमाएं। इसी दिन भगवान शिव अर्धरात्रि में ब्रह्मा जी के अंश से लिंग रूप में प्रकट हुए थे। कई जगहों पर मान्यता है कि इसी दिन भोलेनाथ का गौरा माता से विवाह हुआ था। इस दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चन किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिवरात्रि पर घर में पारद के शिवलिंग की स्थापना योग्य ब्राह्मण से सलाह कर स्थापना कर प्रतिदिन पूजन कर सकते हैं। इससे आमदनी बढ़ने के योग बनते हैं। शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन कराएं। इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें व नम शिवाय मंत्र का जप करें। इससे मन को शांति मिलेगी। शिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं व 11 बार इनका जलाभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। शिवलिंग का 101 बार जलाभिषेक करें। साथ ही हों जूसह भूर्भुवः स्वः त्र्यम्बकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धानामृत्यो मुक्षीयमामृतात् स्वः भुवः भुवः स जूंहो मंत्र का जप करते रहें। इससे बीमारी ठीक होने में लाभ मिलता है। शिवरात्रि पर 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से नम शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। शिवरात्रि पर नंदी बैल को हरा चारा खिलाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और परेशानियों का अंत होगा। शिवरात्रि पर भगवान शिव को तिल व जौ चढ़ाएं। तिल चढ़ाने से पापों का नाश व जौ चढ़ाने से सुख में वृद्धि होती है। अगर विवाह में अड़चन आ रही है तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं। जल्दी ही विवाह हो सकता है। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। इस दौरान भगवान शिव का ध्यान करते रहें। इससे धन की प्राप्ति होती है। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।